के पूछ लिए। रहे थे आप सब लोग कि भाई आप लोग करते क्या हैं, करते क्या हैं। बेसिकली द मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन का आंसर हम आज देने वाले हैं आप लोगों को। तो उसमें से फर्स्ट चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम क्या करते हैं। एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल, मैं हूं नदी पहाड़न और मैं हूं निपुण दागर जट्टा का छोरा एंड टुगेदर वी आर जट पहाड़न राम राम चौधरी। क्या हालचाल है भाई थारा? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज का जो व्लॉग है वो एक डिमांडेड व्लॉग है जो आप लोगों ने हमें डिमांड की थी बनाने के लिए। पूछ रहे थे आप सब लोग कि भाई आप लोग करते क्या हैं, करते क्या हैं। करते बेसिकली कि आपकी मतलब अर्निंग क्या है, रोटी पानी कैसे कमाते हो, कैसे खाते हो। तो अभी हम कहाँ रखे आप बताएंगे थोड़ा सा इन्हें? दिखाती हूँ कि आप कुछ आइडिया लगा सको। मे बी मैं खुद ही बता देती हूँ। हम लोग आए हैं जहाँ हम एक्चुअली एवरी सैटरडे संडे, नो नॉट एग्जैक्टली सैटरडे संडे बट हर संडे आते हैं हम दोनों में से कोई ना कोई आता है। मेरे को आया था, पूछा था कि आप वीकली साउथ दिल्ली क्यों आते हो? हम साउथ दिल्ली इसी वजह से आते हैं हर संडे, मतलब हम दोनों में से या दोनों भी आ जाते हैं, कभी दोनों आते हैं कभी एक आता है। हम इस वजह से आते हैं कि हमारी है यहाँ पर एक शॉप और वो हम आपको दिखाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं किस चीज की शॉप है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो आज हम आपको पहली चीज थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो आप उसका नाम। एक्सक्यूज मी, हेलो बोलो। और ये उस शॉप की ओनर है, ये उस शॉप की ओनर है। क्या बोला तूने? मालकिन है तो इसे हमें लेके आना पड़ता है शॉप दिखाने के लिए। बिल्कुल, वो भी आपको बता देंगे कैसे मालकिन है, वो भी आपको सारा बताएंगे। अभी हम खड़े हैं तान्या की घर के पास। हमारी जो शॉप है वो है लोधी रोड में, खन्ना मार्केट के पास। बिल्कुल, खन्ना मार्केट के एंड में है। सो बेसिकली द मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन का आंसर हम आज देने वाले हैं आप लोगों को, विच इज दिस कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग अर्निंग्स के लिए क्या करते हो। हम लोग दो तीन चीजें करते हैं एक साथ, तो उसमें से ये एक चीज है जो हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। बाकी चीज हम आपको दिखाएंगे डेफिनेटली सूनर और लेटर, बट ट्राई करेंगे। लेकिन आज छोटा सा व्लॉग हम बना रहे हैं इस टॉपिक पे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सो अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ ले जाके कि वो किस चीज की शॉप है, एग्जैक्टली कहाँ पर है, और थोड़ी सी स्पेशल चीजें भी है, स्पेशल बातें भी है उससे रिलेटेड, वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो मैं यहाँ से थोड़ा आपको व्यू दिखा देती हूँ। ये है ताजदार बाबर मार्केट, और ये जो नीली सी गाड़ी है ये मेरी माता जी की है। आंटी आई हुई है यहाँ पर, पहुँच गए हैं, दिखाती हूँ। वैसे 5 मिनट का ही था बट आपको वहाँ पे चल के दिखाती हूँ कि कहाँ पे है एग्जैक्टली वो जगह। सो डिटेल्स देती हूँ आपको। देखो बेला तो बिना लीश के ही वहाँ पहुँच गई है ऑलरेडी। सो ये है हमारा प्यारा सा स्टोर, और ये हमारी प्यारी सी रोजी। रोजी हाय, ओ मेहंदी लगाओ। मैं दिखाती हूँ आपको छोटा सा स्टोर। बेला ये रही यहाँ की मैनेजमेंट स्टाफ मैम, यहाँ पे सब कुछ हैंडल करती हैं A to Z। मैम डिस्काउंट दोगे आप हमें? मैम डिस्काउंट देंगे। सो ये गाइस वी हैव अ पेट शॉप यहाँ पे, दिस इज इन लोधी कॉलोनी। यहाँ पे छोटा मोटा जितना भी बेसिक सामान हम लोग रख सकते हैं हमने रखा हुआ है, ऑल काइंड ऑफ फूड। देखिए वैरायटी ऑफ ट्रीट्स हमने यहाँ पे रखी हुई है, आपको सारी वैरायटी ऑफ ट्रीट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये अलग अलग वैरायटी का फूड रखा हुआ है, मेडिकल का सारा सामान रखा हुआ है। डिस्काउंट देते हो मैम? ठीक है, और ब्लॉग वालों को तो जरूर देते हैं। लो जी मैम ने ही बोल दिया कि ब्लॉग वाले जो अगर आएंगे इधर उन्हें स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। मैम कितना देंगे? फ्लैट 15% मैम बोल रहे हैं कि जो आपके सब्सक्राइबर्स आएंगे ना व्लॉग वाले, मतलब उनको फ्लैट 15% डिस्काउंट मिलेगा। वो आके बता सकते हैं कि हम आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, हम देखते हैं, तो उनको 15% ऑफ। सब्सक्राइब नहीं भी किया हुआ तो भी चलेगा? नहीं चलेगा अच्छा तब नहीं चलेगा, ठीक है। सो गाइज ये था जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, दिस इज वन ऑफ द थिंग विच वी डू। एंड एक यहाँ पर है एंड वन इज इन जहाँ पे हम रहते हैं, एक वहाँ पे, यहाँ पे। हाय सर, हाउ आर यू सर? अच्छा फीडबैक ही दे दो आपसे, फीडबैक लेते हैं। सर इज इन एयरफोर्स। सो दिलीप सर आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा है, डेढ़ साल हो गए आपके टच में। हाँ सर, प्लीज आइए सर अंदर। सर के पास वैसे सबसे अच्छा डॉग है, केन कोर्स हो, बहुत ही सुंदर। बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे जो बहुत सारे यहाँ आ सकते हैं या आसपास रहते हैं तो वो ऑर्डर करें और सामान मंगाएं, हम अपनी शॉप का खुद प्रमोशन करते हैं। गाइस जी हम लोग बेसिकली प्रमोशन नहीं कर रहे थे, जस्ट दैट कि वी वांटेड टू शेयर इट विद यू। सो प्लीज जो भी लोग यहाँ आसपास रहते हैं
वो हमें ऑर्डर करें, होम डिलीवरी फ्री है, आसपास के 8-10 किलोमीटर तक हम डिलीवरी फ्री करते हैं। बिल्कुल, तो आप सब ऑर्डर कीजिए हमारे को और हमारा काम और बढ़ाइए। बहुत तेज हो रहे हो हैं। तो हमें ना यार बहुत भूख लग रही थी, तो हमने पहले सोचा कि कुछ खा लेते हैं और उसके बाद जो शॉप की डिटेल्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करते कि कैसे, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो हमने पहले तो ढोकला खाया, अभी रिसेंटली गोलगप्पे भी खाए हैं। तो हम बताते हैं भाई कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2019 में। हाँ, 2019 या 20 में? 20 में कोविड स्टार्ट हुआ। हाँ, कोविड जब स्टार्ट हुआ उसके बाद इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो उसमें हमने, मतलब इन्होंने बोला कि मुझे शॉप खोलनी है और मैंने मना कर दिया कि हम नहीं खोलेंगे क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं और कुत्ते उत्ते हमारे यहाँ कोई नहीं पालता है। हम तो पालते हैं, वैसे कोई नहीं पालता। इनका ये पर्सपेक्टिव था, लेकिन इधर के बारे में थोड़ा कम जानते थे। मेरे को पता नहीं था इधर कि भाई कैसा है क्या है, और किराए पे शॉप लेना और वहाँ रेंट देना और वो भी कोविड के टाइम पे, तो मुझे डिसीजन सही नहीं लग रहा। साउथ दिल्ली में तो बहुत ज्यादा रेंट है, तो रेंट बहुत ज्यादा है यहाँ का। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि भाई नहीं, मना कर दिया। बट इन्होंने फिर वो शॉप खोल ली। ही वाज द ओनली पर्सन हु सेड नो, बट मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है, मैं खाली नहीं बैठ सकती। तो इन्होंने स्टार्ट किया कोविड में, सुबह ये 10 बजे आती थी और रात के 10 बजे तक शॉप पे अकेली बैठी रहती थी। अकेली ऑर्डर देके आना, क्लाइंट का वेट करना, बहुत मेहनत की इन्होंने उस टाइम पे, एंड देन वो मेहनत अभी काम आ रही है, तो शॉप पे कर रही है अभी। सो व्हेन आई वाज इन 12th ना, मैंने तभी से काम करना शुरू कर दिया था। बट उस टाइम मैंने जब काम करना शुरू किया तो एक और मैं, मेरा बिजनेस है, मतलब एक और काम है उस टाइम पे, वो मैं अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा। उस टाइम पे वो बहुत अच्छा चलता था वो काम मेरा, वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगी लेटर टाइम में। तो कोविड के बाद उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया था, थोड़ा नहीं आया था, कोविड के बाद वो पूरा बंद हो गया था। तो जब वो बंद हुआ ना, क्योंकि एक होता है ना, जब आप वर्कहोलिक होते हो ना, आपको ये रहता है कि यार अब क्या करना है, अब नहीं हो रहा है तो अब कुछ और सोचते हैं, तो मैं शांत बैठना मेरे हिसाब का नहीं था मामला। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ। तो वो जो कोविड के कुछ 4-5 महीने जो लॉकडाउन लगा था ना, उसमें मैंने सारे तरीके का दिमाग लगा के देख लिया, यार ये कर लेती वो कर लेती, बट देन आई फेल्ट कि अब क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में इसका आइडिया आया, कि नॉलेज थी, मेडिकेशन की नॉलेज थी, डॉग लवर थी तो हूँ, तो उन चीज़ों ने मुझे इधर को पुश कर दिया। फिर मुझे आइडियाज़ आए, मैंने रिसर्च करी, उसके बाद मैंने कहा कि चलो ये करके देखते हैं। सब ने मना कर दिया, मम्मी ने कहा कि हाँ, मम्मी थी जिसने बोला कर लो, ना पापा और फैमिली, और इन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया, भाई नहीं करना, क्योंकि तान्या कैसे करेगी रेंट, जॉब्स चली गई हैं लोगों की, कोविड में इतना बुरा हाल हो गया लोगों का। मैंने कहा यार मैंने कुछ सेविंग्स की है, आई वॉन्टेड टू एड, इसमें जो मैंने कमाया है इतनी छोटी उम्र से, मैं इसमें डालना चाहती हूँ। मैंने डाला और लकीली बाय गॉड ग्रेस, भगवान की दुआ से वो चीज काम कर गई और अभी भी काम कर रही है, एंड इट्स गोइंग फाइन। मतलब मैंने कहा बहुत ज्यादा फाइन, बट इट्स अ फाइन, मतलब काम चल रहा है, दाल रोटी का। और यहाँ पर दो स्टाफ हैं हमारे, एक मैम है जो बैठी थी अभी आपको मिलवाया था, और एक और लड़का जो दिन में घर चला जाता, तो दो स्टाफ काम करते हैं। हम संडे टू संडे आते हैं, पर मेरे को वो टाइम याद है अभी भी कि मैं 9:30 बजे जब फोन करता था तान्या को, बोलता था कि तान्या शॉप बढ़ा दो, काफी लेट हो गए हैं, तो ये बोलती थी नहीं, ये क्लाइंट को आ जाने दो, फिर मैं बढ़ा दूंगी। तो मतलब ये इस तरीके से जो, मतलब उस पूरी लाइन में सिर्फ एक ही लड़की काम करती थी, वो थी तान्या उस टाइम पे। और कोविड में आपको पता है सभी शॉप बंद रहती थी, सिर्फ मैं, रात में एक सब्जी वाले भैया और कोई नहीं रहते थे वहां पर। तो और उस टाइम पर 10-15 किलो के कट्टे घरों में जा जाके दे के आई हैं, और सच में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। इन्होंने 5-6 महीने कंटिन्यू ये किया है, मतलब मंडे टू संडे कोई रेस्ट नहीं, कुछ नहीं। आज इसी की बदौलत हमारी 1-2 शॉप हैं और 4 लोग काम करते हैं, 2 यहाँ 2 वहाँ, तो नहीं सॉरी 3 लोग काम करते हैं, 2 यहाँ 1 वहाँ, 3 लोग काम करते हैं, 2 शॉप हैं। और हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं हम और इसे एक्सपेंड करें, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बट धीरे धीरे आई होप हमारी मेहनत रंग लाए, हम लोग कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। और अब ये मेरे साथ बहुत ज्यादा, मतलब मेरा साथ अब देते हैं, पर पहले थोड़ा सा ये था इनका, थोड़ा सा धीरे धीरे सब में चेंजेस आता है, अब इनमें भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। शुरुआत में ही हमारे में रिस्क नहीं लेते हैं, रिस्क लेने से ये डरते हैं। बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कोई भी काम अगर दिल से करे तो सक्सेस होता है। तो ये थी एक छोटी सी डिटेल अबाउट द थिंग वी डू, छोटा सा काम जो हम लोग करते हैं, एंड अभी के लिए वो चीज सही चल रही है, एंड जो आगे जो हमारा और काम है वो हम आपके साथ ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। और ये ब्लॉग आपको इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, मे बी ना लगे, बट ये है कि आपको मोटिवेट जरूर करेगा। ये सिर्फ हमने बताया कि हम क्या करते हैं और इन्होंने कितनी मेहनत की है
इप शॉप को खड़ा करने में। और आप लोग बोलते हैं ना डेली ब्लॉग इसलिए भी नहीं आ पाते कि हम दो तीन काम करते हैं, खाना भी तो खाना है भाई, रोटी भी तो खानी है, तो रोटियों के लिए भाई इधर उधर घूमते हैं। पर हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाए और आपको एंटरटेन भी करे, सो दैट। बट जो रिस्पॉन्ड अब आ रहा है ना, मतलब जो अब हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्ड आप लोग की तरफ से मिल रहा है ना, अब हमें और ज्यादा मजा आने लगा है व्लॉग करने में और शेयर करने में आप लोग के साथ बातें। भाई आप सब हमें ऐसे ही प्यार करें, शेयर करें, कमेंट करें, हम बताते रहेंगे कि भाई कैसे क्या मेहनत करनी चाहिए और कैसे आप कामयाब हो सकते हो। सबसे बड़ी बात है मेहनत, तान्या ने बहुत मेहनत की है, मतलब 7-8 महीने बहुत मेहनत की, स्टार्टिंग में उतार चढ़ाव आए बिजनेस में काफी, बट ठीक है अभी फाइनली ये एक अच्छा और स्टेबल बिजनेस हो गया और सही अच्छे से चल रहा है, अच्छे से रन हो रहा है, राइट। छोटा सा पार्ट तो बाकी जो जो है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आप ऐसे ही हमें प्यार करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आई होप इस व्लॉग ने आपको मोटिवेट जरूर किया होगा। लव यू बाय बाय।